हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने के लिए लाई हूँ ये यार्डले के रोल ऑन डियोस। तो अगर आप रोज़ाना में डियो यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि जो ये रोल ऑन डियोस होते हैं ये ज़्यादा बेटर काम करते हैं, क्योंकि ये रोल ऑन होते हैं तो हम इसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर ऐसे रोल करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं और फिर उतना स्वेट नहीं होता है। और ये काफ़ी सेफ़ भी हैं टू यूज़, और मैंने ये अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से मंगाए थे और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैंने इसका रिव्यू सुना था कि काफ़ी अच्छा है ये वाला लेवेंडर वाला, तो फिर मैंने एक और भी साथ में मंगा लिया और ये दोनों ही बहुत अच्छी इनकी स्टेइंग पावर है। मतलब इवन कि अगर आपने सुबह लगाया है तो रात तक आपको इसकी खुशबू आएगी, और बहुत ही माइल्ड सी प्यारी सी खुशबू है दोनों की। तो ये जो रेड वाला है इसका नाम है लेवेंडर रोज़, और ये वाला जो है ये पर्पल, ये है इंग्लिश लेवेंडर। तो ये दोनों ही ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लगा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप ये पर्पल वाला ज़रूर ट्राई करिए एक बार। तो इसका जो MRP है ना वो है 175 रुपीज़, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल अल्कोहल फ्री है, तो इसलिए काफ़ी सेफ है ये स्किन के लिए। और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये 48 आवर तक आपको ओडर प्रोटेक्शन देता है, और ये सच है, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा सोचती थी कि इतना नहीं स्टे करते हैं नॉर्मली डियोस की खुशबू, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टे करता है, ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ क्या है कि ये जो एक नॉर्मली हमने देखा होगा डियोज़ में कभी कभी वाइट रेसिड्यू होता है अगर आप कपड़ों पे इसको गलती से लग जाए या जो भी, तो इसमें वो भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। और बस आपको एक ध्यान रखना है कि आप इसको अपनी डैमेज स्किन पे बिल्कुल मत लगाइएगा, जैसे अगर आपने रेज़र या कुछ ऐसा यूज़ करा है तो इमीडिएटली मत लगाइएगा, थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ करिए, सेम डे पे मत लगाइए तो बेटर रहेगा। और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है तो ये मुझे अराउंड 100 में मिला है, वैसे MRP इसका है 175 दोनों का है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे लेना चाहते हैं तो एक बार आप ये यार्डले इंग्लिश लेवेंडर यूज़ करिए, ये बहुत ही अच्छा डियो है, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखिए इसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी है, तो ये आराम से अगर आप रोज़ भी यूज़ करेंगे तो भी ये 1 या 2 महीने से पहले ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वैसे भी कॉस्ट वाइज भी अच्छा है और अल्कोहल फ्री है, तो अगर आपको ये लेना है तो एक बार उसको अमेज़ॉन या नायका ऐसी साइट्स पे ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलने का चांस है। तो यही है मेरा रिव्यू इसके लिए, और जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू करा है मैंने इसके बाद कोई ऑडियो यूज़ ही नहीं किया, पहले मुझे निविया और ये सब यूज़ करे थे, पर ये भी बहुत अच्छा है और कॉस्ट वाइज भी अच्छा है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो ये वाला लेवेंडर वाला एक बार ट्राई करिएगा। बस यही है मेरा रिव्यू इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और प्रोडक्ट्स का रिव्यू देती रहूँगी आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।